अभी हम आपको जिक्र कर दें, जरूरी है कि चंडीगढ़ से ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक जाए। हरियाणा माना के पहला स्टेट बना कि जहां पहले सैनिक कल्याण बोर्ड होता था, बाद में उसको नाम पट्टी बदलकर सेना / अर्ध सैनिक कल्याण विभाग कर दिया है। बहुत अच्छी बात है भिक्षलु, बट उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने अर्ध सैनिक सैनिक कल्याण बोर्डों में हमारा कोई रिटायरी नहीं है। जब हम जाएं तो वहां सेना का कर्नल कप्तान बैठा है, जब हम अपने पेंशन पुनर्वास के मसले लेके जाएं तो यानी उनके पास हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं, खाली नाम पट्टी बदल दी गई। ये भी 2 लाख पैरामिलिट्री परिवार हरियाणा छोटा परदे, उनके साथ ये अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड एक बेमानी है, क्योंकि उसमें हमारा अर्ध सैनिक तो सर नाम ही ऐसा है, अर्ध कुमारी हो, अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध नारेश्वर हो, जितने भी हैं, एक हम अर्ध नो, हम देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी जो बाढ़ भूकंप चल रहा है उसमें तो पूरे अर्धसैनिक बल NDRF इवन कोबरा, ये SDG SPG MSG ये कौन है, ये अर्धसैनिक बलों की सिस्टर विंग है जो आज सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। तो हरियाणा सरकार ये ध्यान दे के उसमें हमारे रिटायरियंस को भी समाहित किया जाए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे रिटायरेंस को हम जो बोर्ड बनेगा उसमें हम हमारे रिटायरेंस को जैसे ADG है, कल हमारे भी DSP है, हमारे भी कंपनी कमांडर है, हमारे पैरामिलिट्री के हौलदार है, उनको उसमें नौकरी यानी दी जाए जैसे हरियाणा सरकार दे रही। फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर गांव में जाएं, कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने शहीद परिवार हैं, कितने सेवारत हैं, कितने मेडलिस्ट हैं, कितनी विधवाएं हैं, ये तभी संभव होगा। और उम्मीद के सहारे लोग जिंदा है यारो, भगवत मान साहब को हम बिग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारी पैरामिलिट्री जवानों की आवाज, और इंडिया चार सिंह को भी सैल्यूट कि वो पूरे इंडिया में कम से कम 14 गवर्नर को, जनरल राणा जी बैठे हैं, कितने सारे जो है 10 चीफ मिनिस्टर को, इवन 3 सितंबर 2019 को हम 21 को हमारी मुलाकात महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हुई, और हमने ये सवाल दागा था कि आपको तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है महामहिम राष्ट्रपति जी, तो कम से कम हमारा भी ख्याल रखिए। और उस दिन 1,10,000 से अधिक की हस्ताक्षर युक्त पिटीशन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति के माध्यम से दी गई कि ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की मन की बात, और ये अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन जो पूरे इंडिया को एसोसिएशन इससे अफिलिएट है, तो हम तो ADG साहब आपका सैल्यूट और सलाम करते हैं। अच्छा।